Hello friends, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is financial statement with adjustment, chapter number 17, class plus 1, practical question number 6 ka B. And the question is, from the following trial balance of Ashish, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2010 and balance sheet as on that date. आपके पास डेबिट बैलेंस दिया हुआ, सबसे पहले ड्राइंग दी है, ड्राइंग आप सभी जानते हैं, ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से लेस बिल रिसीवेबल, दूसरी आइटम दी है बिल रिसीवेबल आप सभी जानते हैं, बिल रिसीवेबल जो है वो असेट साइड मशीनरी असेट साइड डेटर्स इंक्लूडिंग 1000 डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज 1000 दैट इज ऑल्सो शोन ऑन द असेट साइड वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में रिटर्न इनवर्ड सेल में सेलेस परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में रेंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में सैलरी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में कैश असेट साइड रिपेयर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में डेटर प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में फर्नीचर असेट साइड कैपिटल आप सभी जानते हैं लाइबिलिटी साइड लोन 10% 1/10/2010 को हिडन एडजस्टमेंट है तो इंटरेस्ट ऑन लोन के साथ एडजस्टमेंट होगी किस प्रकार से इसको करेंगे क्योंकि आपको पता है 500 मिला तो इसका 10% जो होता है वो होता है 1000 तो 500 जो है आउटस्टैंडिंग होगा इसमें भी लोन में भी एड और इसमें भी एड किया जाएगा कमीशन रिसीव कमीशन रिसीव जो है इनकम है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट में क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड एंड सेल लाइबिलिटी ट्रेडिंग के क्रेडिट में स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दो बार डबल एंट्री एक बार ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक बार प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में असेट साइड हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्स बिल इज इररिकवरेबल दैट मींस की जो ये एक्स का हाफ का बिल है ये बैड डेट्स हो जाएगा क्लियर बैड डेट्स हो जाएगा ये ध्यान रखना इस बात का कि हाफ ऑफ द एक्स बिल इज इररिकवरेबल दैट मींस की हाफ इज रिकवरेबल That is very much clear is कि half is recoverable. Creditor for provision for doubtful debt is 5% on debtors. Wages include 600 for private expenses. So private expenses of the proprietor जो है वो drawing में add होंगे और wages में से less होंगे. Depreciation on machinery 5%. Machinery में से less और profit loss account के debit में. Furniture में से less और profit loss account के debit में. Commission include 325 received in advance. That is unaccrued income. तो कमीशन में से लेस और लाइबिलिटी साइड तो किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अधिक क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का भी जब भी आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ऑफ मेसर्स आशीष फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का फिर अमाउंट इन रुपीज पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन इसी प्रकार से बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स आशीष एज ऑन 31 दिसंबर 2010 लाइबिलिटी साइड अमाउंट इन रुपीज असेट साइड और अमाउंट इन रुपीज तो हमने सबसे पहले जो है वो हमारे पास ड्राइंग दी है तो ड्राइंग में हमने कैपिटल में से लेस करना तो हमने सबसे पहले लिखा कैपिटल कैपिटल में से हमने लेस की ड्रॉइंग ड्रॉइंग हमारे पास है 5250 क्योंकि ड्राइंग का वेजेस का इंक्लूड है एनी टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर जो पर्सनल यूज का है और पर्सनल खर्चे में उस खर्चे में ऐड है तो उस खर्चे में से उसको लेस करना है और ड्राइंग में ऐड करके कैपिटल में से लेस करना है जैसे हमारा वेजेज में इंक्लूड है 600 फॉर प्राइवेट यूज तो हम इसमें ऐड करेंगे हम इसको और ऐड करने के बाद हम फिर इसको कैपिटल में से लेस करेंगे 5850 इसको हम कैपिटल में से लेस करेंगे जो हमारा कैपिटल का अमाउंट होगा और जो हमारा कैपिटल का अमाउंट है वो है आपका 47400 जो आपका क्रेडिट साइड में दिया हुआ है और जब आप इसको लेस करेंगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 41550 क्यों हम इसको इन कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें हमने एड नेट प्रॉफिट करना है या अगर लॉस होगा तो उसको आपने लेस करना है उसके बाद आपके पास जो अगली आइटम दी है वो बिल रिसीवेबल दी है तो बिल रिसीवेबल आप सभी जानते हैं असेट साइड आता है बिल रिसीवेबल आपके पास दिए हुए हैं 4775 तो आपने ये असेट साइड लिखे उसके बाद आपके पास मशीनरी दी है तो मशीनरी हमारे पास दी हुई है
14,000, और मशीनरी पे हमने जो है वो लेस लगाना है डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन है वो आप सभी जानते हैं, मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है 5% है, तो 14,000 का 5% जो होता है वो 700 होता है। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो 13,300 आएगा। कितना आएगा जी? 13,300। उसके बाद अगली आइटम दी है डेटर्स। डेटर्स में इंक्लूड है एक्स ऑफ और डिसऑनरिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ 1,000। तो डेटर हमारे पास दिए हुए हैं 30,400। जो हमारे पास डेटर्स दिए हैं वो दिए हैं 30,400। इसको आप बड़े ध्यान से समझें कि इसमें से क्लियर है, आपके पास एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है कि एक्स बिल इज इररिकवरेबल, हाफ ऑफ द एक्स बिल इज इररिकवरेबल। इसका मतलब है कि हाफ जो है आपका बैड डेट्स हो गया। तो बिल कितने का था? 1000 का। 1000 का हाफ कितना हुआ? 500। 500 आपके बैड डेट्स बन जाएंगे, उसको बढ़ा देंगे तो आपके पास 29,900 होंगे। अब आपके ऊपर डाउट किसको है? अब आपको डाउट किस पर है? इस पर तो ये तो बैड डेट्स हो गए, तो इसका मतलब है 13,400 में से वो जो आपका 500 है वो बैड डेट्स हो गए, और 500 आपको मिल जाएंगे। इसका मतलब आपको जो मिलेंगे नहीं वो 13,400 में से 1,000 घटाने के बाद 29,900 पर आप बैड डेट्स डाउटफुल डेट बनाएंगे। ध्यान रखें इस बात का, डाउटफुल डेट हमेशा उस पर बनते हैं जिसके मिलने की कोई मिलने पर आपको संशय हो। तो क्योंकि एक्स का बिल जो है वो रिकवरेबल हुआ है, हाफ बिल, इसका मतलब है हाफ बिल जो है वो रिकवरेबल हुआ, इसलिए इसमें से 30,400 में से 1,000 कटाएंगे। 1,000 क्यों कटाएंगे? 500 तो बैड डेट्स के और 500 जो आपको मिल गए उसके, तो टोटल जो है 29,400 पर जो है वो 5% बनेगा, और जो आएगा वो आएगा 1,470, और 1,470 कटाने के बाद आया 28,430। बड़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना इस एडजस्टमेंट है ये, इसको बड़े ध्यान से समझना है। उसके बाद अगली जो आइटम है वो है जी वेजेस। तो आप सभी जानते हैं वेजेस जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में आती है, तो टू वेजेस आप सभी जानते हैं, वेजेस को जो है वो ट्रेडिंग के डेबिट में दिखाया जाता है, तो हम यहां लिखेंगे टू वेजेस, क्योंकि सबसे पहले आपका आता है टू ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक होगा तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहां पर ओपनिंग स्टॉक। ध्यान रखें इस बात का कि सबसे पहले लिखा जाता है ओपनिंग स्टॉक, तो सबसे पहले आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक के बाद आप लिखेंगे यहां पर टू परचेज, ओपनिंग स्टॉक जो होगा हमारे पास उसको लिखेंगे हम। उसके बाद हम लिखेंगे यहां पर टू परचेज, तो परचेज की जो राशि होगी उसको हम लिखेंगे यहां पर टू परचेज, और परचेज के बाद आप सभी जानते हैं यहां लिखते हैं हम टू वेजेस। क्या लिखते हैं जी? टू वेजेस, और वेजेस में हमारे पास एडजस्टमेंट दी है, वेजेस जो हमारे पास है वो 20,450, इसके साथ एडजस्टमेंट दी है लेस ड्रॉइंग। लेस ड्रॉइंग जो हमने यहां पर करी लेस ड्रॉइंग, तो यहां ध्यान रखें यहां पर एक ड्राइंग में तो हमें ऐड करना पड़ेगा और फिर कैपिटल में से लेस करते हैं, तो लेस हम करते हैं इसमें ड्रॉइंग, तो ड्रॉइंग हमारे पास है वो है जी 600, और इसमें से जो हमने लेस की और लेस करने के बाद ये आपके पास आया 19,850। कोई भी पर्सनल खर्चा जो किसी पर्टिकुलर खर्चे में ऐड हो उस खर्चे में से लेस और ड्रॉइंग में ऐड करने के बाद उसको कैपिटल में से लेस किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपकी ये वेजेस की एंट्री थी। उसके बाद है रिटर्न इनवर्ड। आप सभी जानते हैं कि रिटर्न इनवर्ड जो है वो बाय सेल में से लेस होती है। सेल जो आपके पास दी हुई है वो दी है जी आपके पास 1,95,350, और इसमें से जो आप लेस करेंगे रिटर्न, लेस क्या करेंगे आप इसमें से? रिटर्न, जो आपके पास रिटर्न दी होगी उसको आप इसमें से लेस करेंगे, और ये आपके पास दिया है 2,425, और इसको लेस करने के बाद जो अमाउंट आपके पास आया वो आया जी 1,92,925 जो आई आपके पास वो आई जी आपकी सेल में से सेल रिटर्न कराने के बाद। उसके बाद आपको परचेज दी है, और जो परचेज दी है आपके पास वो दी है 1,30,25,300, वो आपने परचेज लिख दी परचेज के आगे टू परचेज। उसके बाद परचेज के बाद आपके पास दिया है रेंट। आप सभी जानते हैं रेंट जो आता है वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आता है, तो टू रेंट आप सभी जानते हैं, आप लिखेंगे यहाँ पर टू रेंट, तो टू रेंट जो भी है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखते हैं। ये आपके पास दिया है 2,715, और रेंट के बाद आपके पास दिया ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आप सभी जानते हैं ट्रेडिंग के डेबिट में, दैट इज 40,840, ये ओपनिंग स्टॉक आ गया। उसके बाद आपके पास सैलरी दी है, तो आप लिखेंगे यहां पर टू सैलरी। सैलरी भी आप सभी जानते हैं ये सैलरी जो आती है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आती है, तो आप लिखेंगे यहां पर टू सैलरी। तो टू सैलरी आपके पास आई, जितनी भी आई आपके पास सैलरी उसको आप सैलरी लिख देंगे टू सैलरीज, और सैलरीज आपके पास दी हुई है जी 5,400 आप इनर कॉलम में लिख देंगे, आउट कॉलम में सॉरी। उसके बाद सैलरी के बाद है आपके पास ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो आप लिखेंगे टू
ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आपके पास दिए हुए हैं इसमें 950, 950 आपके पास ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। उसके बाद टू इंश्योरेंस दिया है, तो आप टू इंश्योरेंस लिख देंगे, टू इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस का आपके पास अमाउंट दिया है 300। इंश्योरेंस के बाद आपके पास दिया है कैश, कैश आप सभी जानते हैं असेट साइड आता है, तो कैश आप असेट साइड लिखते हैं, कैश जितना भी आपके पास कैश दिया है वो आप असेट साइड लिखेंगे। और कैश का अमाउंट आपके पास दिया है जी, कैश का अमाउंट आपके पास दिया है 28,750। उसके बाद आपके पास दिया रिपेयर, रिपेयर आप सभी जानते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में टू रिपेयर, और ये रिपेयर आपके पास दिया है 1,680। और रिपेयर के बाद दिया आपके पास इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसके साथ एडजस्टमेंट भी दिया है, तो यहां लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन, और इंटरेस्ट ऑन लोन आपके पास 500 है। इसमें आप ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, ऐड करेंगे आप इसमें आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जो है इंटरेस्ट ऑन लोन होगा उसको आप ऐड करेंगे, और जो जनरली जो है वो 500 आएगा, इसको आप 1,000 लिख देंगे। और ये कहाँ पर आया, ये लोन के साथ इसकी एडजस्टमेंट है, तो हम सबसे पहले जो है लोन हमारे पास एडजस्टमेंट दी होगी, तो लोन हम लाइबिलिटी साइड लिखते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे लोन, सॉरी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड हम लोन लिख देंगे लोन, तो लोन आपके पास दिया है वो दिया है जी लोन आपके पास 10,000, और इसमें जो ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ये 10% लोन है, ध्यान रखना इस बात का, ऐड इंटरेस्ट ऑन लोन, हिडन एडजस्टमेंट है ये जो आपकी वहां पर दी इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग, ये आपका है 500, और यहां पर आ गया 10,500। तो इस प्रकार से जो आपने इसको हिडन एडजस्टमेंट को दिखाया, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद आपके पास है डिस्काउंट, तो आप सभी जानते हैं जो डिस्काउंट है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाता है, तो टू डिस्काउंट, टू डिस्काउंट आप दिखाएंगे, और ये डिस्काउंट आपके पास है 2,440, 2,440। उसके बाद है आपके पास टू बाय डेट्स, टू बाय डेट्स जो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, टू बाय डेट्स, और ये आपके पास दिया है 1,710, ऐड करेंगे इसमें क्या जी फर्दर बाय डेट्स, फर्दर डेट्स बाय डेट्स जो वो है जी आपके 500, इसको जमा करेंगे तो आपके पास आया 2,210, जो हमने यहां पर भी दिखाया 500, ये लेस किया हमने इसमें से, इसकी डबल एंट्री करी। उसके बाद हमने ऐड किए न्यू प्रोविजन, ऐड किए प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, और ये आपके पास है 1,470, और 1,470 करने के बाद ये आपके पास आया 3,680। उसके बाद आप सभी जानते हैं आपने डेप्रिसिएशन लगाया था प्लांट एंड मशीनरी पे, जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया था प्लांट एंड मशीनरी पे उसको भी आप दिखाएंगे यहाँ, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, डबल एंट्री करेंगे इसकी भी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो ये आपके पास था 700। और उसके बाद आप फर्नीचर है, तो फर्नीचर भी आप जो है वो असेट साइड दिखाएंगे, और फर्नीचर भी आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो यहाँ पर पहले आप फर्नीचर को दिखा देंगे, फर्नीचर आपका फिक्स्ड सेट है, तो फर्नीचर आपका बैलेंस शीट में दिया हुआ है 4,550, इस पे लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, लेस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन, जो भी डेप्रिसिएशन की राशि है उसको आप लेस करेंगे, और ये आपके पास आया 10%, दैट मींस कि 455, और इसको घटाने के बाद आपके पास आया 4,095, और इसकी डबल एंट्री करेंगे टू डेप्रिसिएशन और फर्नीचर, तो फर्नीचर पर आप डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और जो भी आपके पास आएगा वो आएगा जी 455। तो इस प्रकार से ये आपका डेप्रिसिएशन लगा, डेप्रिसिएशन के बाद फर्नीचर पर आपने डेप्रिसिएशन लगाया, उसके बाद आपके पास जो अगली आइटम दी हुई है वो क्रेडिट साइड में दी हुई है, जिसमें हमने कैपिटल लिख दिया है, लोन भी हमने लिख दिया है, और इंटरेस्ट ऑन लोन इसके एडजस्टमेंट एंट्री कर दी है। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर बाय कमीशन, जो कमीशन है उसके साथ भी एडजस्टमेंट है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कमीशन, और जो कमीशन दी है आपके पास वो दी है 3,825, इसमें से लेस करेंगे, लेस करेंगे आप अनअक्रूड कमीशन, अन अक्रूड जो आपकी कमीशन है उसको आप लेस करेंगे, जिसको आप बोलते हैं रिसीव्ड इन एडवांस, और ये अन अक्रूड कमीशन जो आपके पास है वो आपके पास दिए जी 325, तो 325 आप इसमें से कटाएंगे, तो 325 कटाने के बाद जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर आया वो आया 3,500, और इसकी डबल एंट्री करेंगे आप यहां पर, कमीशन
रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन जो है वो आपकी रिसीव्ड इन एडवांस है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। और जो कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस है वो है जी आपकी 325, जो हमने लेस भी कर दी और इसकी डबल एंट्री भी कर दी। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस के बाद हमारी जो अगली एडजस्टमेंट एंट्री है वो सेल की, वो हमने सेल की कर दी है। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दिखाने हमने, क्रेडिटर्स आप सभी जानते हैं हमारे क्रेडिटर्स जो है वो लाइबिलिटी साइड आएंगे, और क्रेडिटर्स हमारे पास दिए हुए हैं 35,860। हमने सारी एडजस्टमेंट कर दी है, सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की एंट्री भी कर दी है, सारी एंट्रियों की हमने डबल एंट्री भी कर दी है। और सारी डबल एंट्री करने के बाद हम देखेंगे कि हम टोटल करेंगे, टोटल में हम सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे जिसमें हमने सॉरी क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं करी है, तो यहाँ देख लेंगे कि बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक की हमारी जो डबल एंट्री है, जो स्टॉक है हमारे पास है वो है 60,450, इसकी डबल एंट्री करेंगे स्टॉक की। असेट साइड स्टॉक 60,450, आप बार बार चेक कर लें कि कोई आपकी डबल एंट्री नहीं छूटनी चाहिए। और फिर हमने इसका टोटल किया, तो टोटल करने के बाद आपने देखा कि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आया, और ये टोटल आया 2,53,375, और इस प्रकार भी टोटल आया 2,53,375। जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर बचा वो आया जी ग्रॉस प्रॉफिट, और इस ग्रॉस प्रॉफिट को आपने क्या किया जी कैरी डाउन किया, और कैरी डाउन करने के बाद जो ये राशि आई वो आपके पास आई 67,385, और इस 63,085 को आप क्रेडिट साइड लेके बाय ग्रोस प्रॉफिट, यहाँ पर आपने फ्लो डाउन लिख दिया और ये आपके पास आया 67,385। और फिर आपने इसका टोटल किया, और टोटल करने के बाद आपने देखा कि दोनों साइड का टोटल जो है क्रेडिट साइड का टोटल जो है बराबर आया, क्रेडिट साइड का टोटल जो है ज्यादा आया, और क्रेडिट साइड का टोटल जो आपके पास आया वो आपके पास आया 70,885। और यहां पर भी आपका टोटल करने से पहले आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिखेंगे, टू नेट प्रॉफिट, ध्यान रखें इस बात का, ये हमने टोटल जो थोड़ा ऊपर लिख दिया, आपने आपने सामने लिखना है 17,885। और जो आपके पास बैलेंसिंग फिगर नेट प्रॉफिट वो आया 51,565, इसको आप ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट में, ऐड करेंगे आप कहाँ नेट प्रॉफिट कैपिटल में, नेट प्रॉफिट जो है ऐड करेंगे कैपिटल में, ये आपके पास आया 51,565। और जब आपने इसका टोटल किया तो इसका टोटल करने के बाद आपके पास आया 93,115। और फिर आपने इसका सबका टोटल किया, टोटल करने के बाद कोई भी एंट्री आपकी नहीं छूटी, आपने देखा टोटल किया तो आपका टोटल जो है वो असेट साइड का जो टोटल आया वो आपके पास आया जी 1,39,800। और इसी प्रकार से इस साइड का टोटल भी जो है वो आप देख लें पूरी आइटमों को, कि आपकी सारी आइटमें जो है उसका टोटल भी आपका देख लें, तो ये आपके पास टोटल जो है वो आपस में बराबर आया, दैट इज 1,39,800। आप सारी आइटमों की एंट्री करने के बाद आपने देखा कि द टोटलिंग ऑफ बोथ साइड आर इक्वल टू इच अदर। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी, कि किस प्रकार से इसको किया जाएगा, इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताई, आपको बताया कि अगर कोई पर्टिकुलर खर्चा पर्सनल खर्चा है और वो किसी खर्चे में इंक्लूड है तो उस खर्चे में से लेस करना है और उसे ड्राइंग में ऐड करके कैपिटल में से लेस करना है। दूसरा आपने देखा कि जो आपका डेटर्स थे उसमें 1,000 रुपये जो है वो डिसऑनर बिल के थे, जिसमें 1,000 में से 500 रुपये तो मिल गए और 500 रुपये जो आपको नहीं मिले, जो 500 रुपये नहीं मिले वो तो बैड डेट्स हैं, परंतु जो 500 रुपये मिल गए वो उस पर किसी प्रकार का डाउटफुल डेट नहीं बनेगा क्योंकि वो मिल जाएंगे आपको, इसलिए जो डाउटफुल डेट बनाया जाएगा वो 30,400 में से 500 ही, और 500 जो मिल जाएंगे उसको घटाने के बाद डाउटफुल डेट बनाए जाएंगे। तो ये इसका बड़ा ध्यान से आपने इस क्वेश्चन को करना है। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।